आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है उनको बताना चाहता हूँ कि उनकी जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो अब पूरी होने वाली है। हम सबसे पहले जो सरकार की भी डिमांड है और जनता की भी डिमांड है, हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल आज हमारी वेबसाइट पे डलने जा रहा है। प्रशासन के और सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर हमने इनकी पूरी तैयारी कर ली है। शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, जो मेल कांस्टेबल है उसकी लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त को प्रातःकालीन और सायंकालीन 4 शिफ्टों में होगी, 7 और 8 अगस्त को। मेल कांस्टेबल जो कमांडो विंग है, इसमें चूंकि रेस बाद में है तो इसकी जो पीएमटी है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट है, वो 13 अगस्त से 13 सितंबर तक यहीं पंचकुला में होगा। उनकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी और दौड़ का जो इवेंट है वो पुलिस कांस्टेबल के साथ ही उनका संपन्न कराया जाएगा। जो फीमेल कांस्टेबल है उसका रिटर्न एग्जाम 4 सितंबर को एक ही शिफ्ट में होने जा रहा है। और जो मेल SI है, उप निरीक्षक हैं, उसकी परीक्षा 5 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। और जो फीमेल SI है उसकी परीक्षा इवनिंग सेशन में सभी जो लड़कियां हैं उनकी एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी। मेल कांस्टेबल की जो दौड़ है, जिसको हम PST कहते हैं, वो 27 नवंबर से 5 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी पंचकुला में ही। और मेल SI की जो PST है वो 6 अक्टूबर को पंचकुला में ही होने जा रही है। फीमेल कांस्टेबल जो उनकी दौड़ है वो 7 अक्टूबर से 8 सितंबर नवंबर तक वो पंचकुला में ही संपन्न कराई जा रही है। मेल और फीमेल कांस्टेबल की जो PMT और स्क्रूटनी का काम है वो 10-10-21 से 30-10-21 तक संपन्न होने जा रहा है। मेल कांस्टेबल जो कमांडो की रेस है, हमने उनकी फिजिकल मेजरमेंट कर लिया और अब जो उनकी रेस का कार्यक्रम है वो 14 नवंबर को पंचकुला में ही होगा, उसी कॉन्टिन्यूटी में। एक सरकार ने पीछे संस्कृत PGT की भर्ती को वापस ले लिया था, उसकी दोबारा से हमने आवेदन मांगे थे और उसकी परीक्षा अब 14-11-21 यानी 14 नवंबर को होने जा रही है। ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी, ये बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि इसकी परीक्षा जल्दी आयोजित की जाए, ये 11-12 और 12-12-21 को संपन्न होने जा रही है, जो हरियाणा के 17 जिलों में आयोजित की जाएगी। मेरा सभी परीक्षार्थियों से जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, PMT PST में भाग ले रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें और दोनों डोज, दोनों तो नहीं, एक डोज तो जरूर अपनी इस परीक्षा से पहले वो ले लें। और पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले सभी जो प्रतियोगी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस दौरान कोई ऐसा आचरण ना करें जिससे कानून व्यवस्था भंग हो और उन पर दुराचार का या कोई मिसबिहेव का केस उनके ऊपर दर्ज हो, तो वो इस दौरान इन नियमों का पालन जरूर करें। परीक्षा OMR बेस्ड होगी, मतलब ऑफलाइन होगी। अभी तक अभी मैंने रमेश जी आपको बताया कि हम 17 जिलों में परीक्षा करने जा रहे हैं, और मतलब एक जिले से दूसरे जिले में तो परीक्षार्थी जा सकता है या तीसरे जिले में जा सकता है। ऐसा अब की बार नहीं होगा कि गुड़गांव का परीक्षार्थी यमुनानगर में आ रहा है, अम्बाड़े में आ रहा है या पंचकुला में आ रहा है। नियरेस्ट जो जिला है उसकी परीक्षा वहीं पर होगी। पुलिस जो है वो हमारी कानून व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ सहयोगी के रूप में रहेगी,
बाकी जो पीएमटी पीएसटी का काम है, जो हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोच हैं वो संपन्न कराएंगे। नहीं, ये एक तरह से मेरी अपील है कि वो कोविड के नियमों का पालन इसलिए करें क्योंकि एक भीड़ जमा होने वाली है और एक स्टाफ बहुत बड़ी मात्रा में लगने वाला है जो सारी इवेंट को चलाएगा, तो पहले ही प्रिकॉशन लें तो अच्छी बात है। ये जो पीएसटी और पीएमटी का कार्यक्रम है, ये चूंकि हम एक ही जगह पे निश्चित कर सकते हैं और हमारे ऑफिस का भी नियंत्रण होना उस पर बहुत जरूरी होता है। एक स्टाफ है वो जाके दूर किसी स्थान पे इतने दिन रह नहीं सकता, एक डेढ़ महीने का इवेंट है, तो इसलिए हमने फैसला किया है कि ये जो पीएसटी और पीएमटी है ये तो पंचकूला में ही होगी। ये सैनिटाइजेशन का काम, डिस्टेंसिंग का काम, ये हम पूरा ध्यान रखेंगे और एक इसमें जो इवेंट है हमारा पूरा का पूरा, जैसे हम फिक्सिंग का काम करते हैं, वीडियोग्राफी का करते हैं, बायोमेट्रिक का करते हैं, बाकी काम करते हैं, एक इसी तरह से हमने पूरा का पूरा सैनिटेशन का काम शुरू किया है, जो हर बच्चे को सैनिटाइज करेगा, उस जगह को सैनिटाइज करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बरती जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ऐसा है, ये चीटिंग की घटनाएं तो एक बार दो बार जगह हुई हैं, वो सारे लोग आजकल पुलिस की गिरफ्त में हैं। हमने नए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अब की बार ये प्रयास किए कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती भी थी वो अब की बार नहीं।